करो। आज हम पर्सनल आर्ट के उदाहरण के बारे में जानते हैं। हम पहला उदाहरण करते हैं। सबसे पहले पहला उदाहरण है, यदि दो टेंट दो ए का मान 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात याद कीजिए। हमें दिया गया है कि टेन ए दिया गया है, गिवन डेट दिया गया है 10 a = 4/3। इस ए का मतलब ये होता है जो कोण होगा वो हमें एक जगह जहां पर कोण बनता है वहां पर हमें ए मानना है। यहां पर हम बिंदु कोई भी ले सकते हैं, यहां पर हमने मान लिया बी है, यहां पर सी। 10 a = 4/3, 4/3 10 का हमें पता है यहां पर लंब आता है और आधार आता है, इसका मतलब 4 है वो लंब है, तो कोण माना ए, और कोण की जगह कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है उसको हम 4 लिख देते हैं। आधार, आधार हमें पता है ये जो 90 के सामने वाली करण होती है और जो एक बची होती है उसे हम आधार कहते हैं, ये हो गई 3। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सबसे पहले इस करण का मान याद करना होगा, क्योंकि हमें पता है साइन का होगा कोस का होगा सेक का होगा कोसे का, उसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बट्टे में कर्ण आता है, किसी के ऊपर कर्ण आता है तो किसी के नीचे कर्ण आता है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करके सबसे पहले कर्ण का मान याद करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हम इसी त्रिभुज से बना लेते हैं। सबसे पहले एसी का स्क्वायर, करण भुजा एसी है, एसी का स्क्वायर, उसके बाद आधार भुजा बीसी है, बीसी का स्क्वायर, लंब भुजा बीसी है, बीसी का स्क्वायर, और आधार भुजा एबी है, एबी का स्क्वायर। यहाँ पर एबी और बीसी का मान रख देते हैं। एसी स्क्वायर बराबर AB का मान है, BC का मान है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमें पता है 16 होता है, 3 का 9 होता है, AC स्क्वायर बराबर 9 और 16 हो गए 25। यहाँ पर वर्ग है, हमें यहाँ पर AC का मान चाहिए, नहीं कि AC स्क्वायर का, AC स्क्वायर का नहीं चाहिए, तो हम इसका क्या कर देते हैं, वर्गमूल, वर्गमूल करेंगे, तो AC = √25, बाद में आ जाएगा AC = 5। इस तरह हमें AC का मान प्राप्त हो गया, इसका मतलब कर्ण भुजा है उसकी लंबाई होगी 5। अब हमें इसके अन्य त्रिकोणमिति फलन याद करना है, अन्य त्रिकोणमिति फलन याद करना है, तब हमें सबसे पहले टेन का तो दिया हुआ है, अब टेन से हम कोट का याद कर सकते हैं, कोट ए, यहाँ पर एंगल ए पे माना है तब हमें यहाँ पर ए लिखना होता है, अगर यहाँ पर कोई बिंदु नहीं दिया हो और सीधा थीटा हो तब हम कोट थीटा लिख सकते हैं। अब हम कोट A = जो टेन का होता है उसका उल्टा कर देते हैं, टेन का उल्टा होता है 1/10 a, 1/4/3, 3 ऊपर गुणा में चला जाएगा 4/4 में रह जाएगा, इसका मतलब कोट ए का मान आ जाएगा 3/4। इसके बाद हम निकालते हैं साइन का, साइन का मान निकालने के लिए हमें पता है sin A = साइन में ऊपर लंब आता है और नीचे करण आता है, लंब बट्टे करण। अब हमें पता है लंब का मान कितना है, 4 है, और करण का मान है 5, 4/5, ये आ गए दूसरी त्रिकोणमिति। इसके बाद हम करते हैं साइन, आ गया साइन का सीधा उल्टा कर देते हैं तो कोसेक का मान आ जाएगा, cosec A = 1/sin A। ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं करके हम ऐसा भी कर सकते हैं, कर्ण/लंब, कर्ण/लंब करेंगे तब कर्ण का मान रख देंगे 5 और लंब का मान रख देंगे 4, 5/4।
अगर हमें ये सूत्र से करेंगे, इस सूत्र से करेंगे, तब हो जाएगा कोसेक ए इजिकल टू 1/sin ए का मान है 4/5, 4/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, इसके बाद आ जाएगा ए 5/4। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, मान दोनों का सेम ही आने वाला है। इसके बाद हम निकालते हैं कोट का। अब हम निकालते हैं कोस का। कोस ए इजिकल टू, कोस ए का हो जाएगा, कोस ए का हमें पता है आधार बट्टे करण, ये होता है। आधार का मान हमें पता है 3 है और करण का मान हमें पता है 5 है, तब हम कोस का आ जाएगा 3/5। सेक ए का मान हो जाएगा करण बट्टे आधार, या फिर कह दो 1/cos A। करण बटे आधार से करेंगे, सीधा करण का मान रख देंगे 5, आधार का मान आ जाएगा 3, 5/3। यह आ गया कोस ए का, यह आ गया सेक ए का। अगर हम इस सूत्र से करेंगे तब हो जाएगा सेक ए इजिकल टू 1/cos A का मान हमें पता है 3/5 है, 3/5 इजिकल टू 5/3। चाहे इससे कर दो चाहे इससे कर दो, समय आने वाला है। यह हो गया उदाहरण एक में। अन्य त्रिकोणमिति का मतलब होता है जो टेन ए है उसके अलावा पांच जो त्रिकोणमिति है उन सभी के मान लिखने होते हैं, उसी को हम अन्य त्रिकोणमिति कहते हैं। इसके बाद हम अगला नेक्स्ट उदाहरण करते हैं, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2 में यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हैं, ऐसे न्यून कोण हैं जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तब हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए। कोण बी बराबर कोण क्यू। अब देखो इसमें हमें दो त्रिभुज हैं, प्रश्न में दो त्रिभुज बनाए हुए हैं, एक त्रिभुज यह है एक त्रिभुज यह है। इसमें यहाँ पर कोण बी दिया है, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, यहाँ पर कोण पी है, यहाँ पर कोण क्यू है, यहाँ पर है आर। अब देखो हम प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में दिया है यदि कोण बी और क्यू दोनों ऐसे न्यून कोण हैं जिससे साइन बी बराबर साइन क्यू, मतलब इस क्वेश्चन में साइन बी का मान और साइन क्यू का मान दोनों का बराबर है, तब हमें ये बात सिद्ध करनी है कि कोण बी और कोण क्यू दोनों भी एक ही समान कोण होंगे। तब हमें सबसे पहले इसमें लिखना है गिवन डेट दिया है, दिया है
साइन बी बराबर साइन क्यू। उसके बाद हम लिखते हैं इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है टू प्रूफ दैट सिद्ध करना है कोण बी इजिकल टू कोण क्यू। इसमें दिया है टू प्रूफ दैट, टू प्रूफ दैट में दिया है कोण बी बराबर कोण क्यू। अब हमें इस जो ये फलन दिया है इसकी सहायता से यह सिद्ध करना है कि यह होता है यह सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण क्यू होता है साइन बी। अब हम इस त्रिकोणमिति से यूज करते हैं साइन बी का मान निकालते हैं। साइन बी का मान होगा साइन बी इजिकल टू साइन के फलन में हमें पता है पहले लंब आता है और बट्टे में कर्ण आता है। लंब इसमें कौन सी भुजा हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, इसमें ये लंब हो जाएगी, इसमें ये आधार है, ये आधार और ये कर्ण, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और जो एक भुजा बसती है वो आधार होती है। अब इसमें लंब भुजा है उसका नाम है एसी, एसी अपॉन एबी। अब हम इसी की सहायता से साइन क्यू का मान निकाल लेते हैं। साइन क्यू का मान हो जाएगा पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू। अब हमें ये जो मान है ये मान यहाँ पर समीकरण स्टार में रख देना है। उपयुक्त मान समीकरण स्टार में रखेंगे तब हमें आगे इस भुजाओं के मान हो जाएंगे, ये भुजाओं के जो नान है, इसके बाद हम इसकी सहायता से आगे की करण भुजा का मान निकालेंगे और करण के बाद हम आगे सभी सॉल्यूशन को हल करेंगे। तब हो जाएगा साइन बी बराबर ए बी अपॉन स्टार समीकरण में हम इसका मान रखते हैं तब आएगा एस सी अपॉन ए बी इजिकल टू पी आर अपॉन पी क्यू। अब हमें पता है दोनों के बट्टे में कर्ण है, दोनों के ऊपर वाले जो भुजा है वो लंब है। अब दोनों के बट्टे में कर्ण है, अब हम इसको कर्ण को अलग कर देते हैं और लंब को अलग अलग लिख देते हैं, तब हो जाएगा एस सी अपॉन पी आर इजिकल टू ए बी अपॉन पी क्यू। अब हमें इसका मान तो पता है नहीं, इसके लिए हम एक बार इसको यह मान मान लेते हैं कि इन दोनों फलनों का मान एक है, इसको हम ले देते हैं लेट, लेट यानी माना, माना एस सी अपॉन पी आर बराबर ए बी अपॉन पी क्यू का बराबर एक है। अब हमें इससे यह मान प्राप्त हो गया, अब हम जो बाकी एक आधार भुजा बची है उसका मान निकाल लेते हैं। आधार भुजा का मान निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयुक्त करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय हम इस सूत्र से बना लेते हैं, बी सी इजिकल टू ए बी माइनस एस का होल स्क्वायर अंडर रूट। इसी की सहायता से हम पी क्यू आर का भी मान निकाल लेते हैं, क्यू आर इजिकल टू अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। अब देखो हमने यहाँ पर भी लंब लंब को बट्टे में रखा है करण करण को, तब हम यहाँ पर भी आधार आधार के मान को बट्टे में रख देते हैं। आधार आधार का मान हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं है कि ये सर्वांग सम है या नहीं है, हमें तब पता चलेगा। एक एक भुजा को अलग अलग रखेंगे, मतलब समान भुजा को समान रखेंगे, तब हमारे को जो भुजा भुजा सर्वांग समता का नियम आता है भुजा भुजा, उससे ये पता चल जाएगा ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तब ये दोनों कोण भी सर्वांग सम होंगे। इसके लिए हम
अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब हो गया, अब हम यहाँ से पी क्यू और पी आर का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से हम ए बी और ए सी का निकाल लो चाहे और चाहे पी क्यू और पी आर का निकाल लो। इसका मान हम इस प्रकार निकालते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू वन, क्योंकि यहाँ पर हमने एक माना था, इसका मान वन मानेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा ए बी इजिकल टू पी क्यू। और ऐसे हम ए सी अपॉन पी आर इजिकल टू वन, और यहाँ पर इसका पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा ए सी अप बराबर पी आर पी आर। ये हो गए हमारे मान। अब हम ए सी और ए बी का मान यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एव ए बी ए ए सी की वैल्यू। अब हम ए बी और ए सी की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर ए बी और ए सी की वैल्यू रखेंगे तब हो जाएगा अंडर रूट ए बी और ए सी की वैल्यू हो जाएगी पी क्यू। यहाँ पर ए बी की वैल्यू है, ए बी है उसका मान है पी क्यू, तब हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। हम यहाँ पर दोनों में से एक का मान रखेंगे तब दोनों में से एक का मान रखेंगे तब आपस में कट के ये आ गया। इसके बाद ये कटने से आ जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर इजिकल टू वन। अब देखो यहाँ पर भी वन है, इन दोनों का मान भी वन है। ओके, अब देखो ये भी वन है और इसका मान भी वन है, तब हमें इसका मान भी वन है, इसका मान भी वन है, इसका मान भी वन है, तब हमारे सर्वांग समता का जो नियम है सर्वांग समता के साइड 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 एस एस का मतलब होता है साइड, एस एस नियम से एस एस नियम से त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए कोण ए त्रिभुज ए सी बी सर्वांग सम त्रिभुज पी आर क्यू। ओके, इस त्रिभुज से हमारे को ये नियम प्राप्त हो जाता है, सर्वांग समता के एस एस नियम से त्रिभुज ये और ये सर्वांग सम है, इसलिए इसलिए ये इनके एंगल भी कोण भी समान होंगे। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है तो इनका एंगल भी तीनों एक ही समान का होगा, तब अरे हमारे का कोण बी इजिकल टू कोण क्यू, ये बात सिद्ध हो जाती है। इससे इस सर्वांग समता के नियम के बाद हमें यह पता चलता है कि ये कोण सिद्ध बराबर है या नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा एस प्रूफ।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर दो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर तीन। देखो अब हमें उदाहरण तीन में दिया गया है त्रिभुज ए सी बी जिसका सी समकोण है, ए बी बराबर 29 है 29 इकाई और बी सी बराबर 21 इकाई है, और कोण ए बी सी बराबर थीटा है, तब हमें निम्नलिखित त्रिकोणमितियों के मान याद करने हैं। पहला ऑप्शन में दिया है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे में दिया है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें देखो एक त्रिभुज दिया गया है, उसके ए बी का मान दिया गया है 29, सी का मान दिया गया है 21, और कोण सी है वो समकोण है, कोण बी है वो है थीटा। हमें थीटा कोण बी पर मानना है क्योंकि यहाँ पर मध्य में बी है, तो बी पर हम थीटा मानेंगे। अब हमें यहाँ पर देखो आधार दिया गया है, कर्ण दिया गया है, लेकिन यहाँ पर साइन और कोस है। कोस का तो हमें पता है आधार बट्टे कर्ण हो जाता है, लेकिन साइन का पता नहीं है। साइन का मान याद करने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का मान निकालेंगे, और लंब का मान निकालने के बाद हम साइन का और कोस का मान रखेंगे और इन प्रश्नों को सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। पाइथागोरस परमे से पाइथागोरस परमे में हो जाता है, इसकी करण क्या है ए बी, ए बी का स्क्वायर इजिकल टू ए सी का स्क्वायर इजिकल प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ए बी का और बी सी का मान रख देते हैं, तब ए सी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ए बी का मान आएगा 29 का स्क्वायर इजिकल टू ए सी का होल स्क्वायर प्लस 21 का होल स्क्वायर। हमें पता है कि 29 का वर्ग 841 होता है, 29 का वर्ग होता है 841। अगर हमें यह से नहीं पता है तब हम यहाँ पर 29 × 29 कर लेते हैं, 29 × 29 कर लेते हैं, 29 का अगर 29 से डायरेक्ट करोगे तो 29 से डायरेक्ट कर लो, अगर 29 से डायरेक्ट नहीं करते हो तो आप अलग अलग गुणा भी कर सकते हो, अलग अलग गुणा से करेंगे। नंबर हमारी 81, हासिल 8, 18 और 8 26, 261 गुणा 29 58, अब इसको जोड़ देते हैं 1 8 6 14 हासिल 1 5 और 3 8, ये आ गया 29 का वर्गमूल। 29 का वर्गमूल आ गया 841, 41 का वर्ग हमें पता है 20 का वर्ग 40 होता है, और 40 होता है तब 41 21 सॉरी यहाँ पर 41 नहीं 21 है, 21 का वर्ग हमें पता है 441 होता है। हम इसी के सहायता से कर लेते हैं 21 एक 21 21 दो है 42, 42 और दो हासिल गई 44। इसके सहायता से हमें 21 का वर्ग आ गया 44, 441 21 का वर्ग आ गया 441। अब यह हम रफ कार्य को मिटा देते हैं। अब यहाँ पर इसका पक्षांतरण करेंगे और यह मान प्राप्त हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इजिकल टू 841 माइनस 441, 441 841 में से 41 में से 41 चले जाएंगे, पीछे बढ़ जाएंगे 800, 800 में से 400 चले गए 400, ए सी का स्क्वायर इजिकल टू 400। या फिर ऐसे घटा लो, एक में से एक गया 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4। अब हम इसका ए सी का मान चाहिए, हमें ए सी स्क्योर का नहीं ए सी का, ए सी का मान चाहिए, तब हम हमें यहाँ पर वर्गमूल कर देते हैं। वर्गमूल करने पर हमें ए सी इजिकल टू अंडर रूट 400, तब ए सी का मान आ गया 20। अब हमें ए सी का मान प्राप्त हो गया, ए सी का मान आ गया 20, यहाँ पर लिख देते हैं ए सी का आ गया
बी सी का आ गया और ए बी का आ गया। अब हम यहाँ पर साइन साइन और कॉस का मान रखेंगे और यहाँ से सीधा मान प्राप्त कर लेंगे। हम आपको यहाँ पर सीधे पहले साइन और कॉस के मान बता देते हैं। साइन और कॉस का मान ऐसे प्राप्त करेंगे, कोस थीटा इजिकल टू आधार बट्टे करण। आधार कितना है? आधार 21 है, करण 29 है, यह आ गया कोस थीटा का मान। अब हम करते हैं साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान हो जाएगा लंब बट्टे करण। लंब है 20, लंब बट्टे करण, लंब का मान है 20 और करण का मान है 29। अब हम इसकी सहायता से ये मान यहाँ पर रखेंगे तो हमारे को इसका मान प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद हमारे को इसका मान प्राप्त हो जाएगा। इसमें हम एक और अपना रूल अपना सकते हैं। हमें सर्वसमिका एक से पता है कि साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, लेकिन हमें इस त्रिभुज दिया है और त्रिभुज की भुजाओं का मान दिया है, तब हम इससे ही करना पड़ेगा। लेकिन हमारे को इतना पता चल गया, अगर हमारा मान एक आया तो ये हमारी सर्वसमिका से अगर हमें इसका मान रखते हैं और हमारा मान अगर प्राप्त एक होता है तब ये तो क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। इसका भी हम एक और तरीका है, लेकिन वो हम कर सकते हैं। साइन स्क्योर की जगह कोस का मान रख के सीधा हल कर सकते हैं। इसका मान होगा कोस स्क्योर थीटा। कोस का मान होता है 21/29 का होल स्क्योर। अब आ गया प्लस साइन स्क्योर का मान हमें यहाँ से पता है 20 का स्क्योर प्लस 29 का, 20/29 का होल स्क्योर। यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर भी वर्ग आ गया। अब हम 21 का स्क्योर हमने पहले निकाला था, 441 होता है, 21 का आ गया 441, 29 का आ गया 841 प्लस 20 का 400, 29 का 441। अब हमका ये इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया 841, 841 में 841 का भाग दे दो तब एक प्राप्त होगा, एक को 441 से गुणा करोगे तब हमें 441 प्राप्त होगा। बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। अब 841 है, 841 में 841 का भाग दे दो, 841 का भाग देंगे तब हमें एक प्राप्त होगा, एक को 400 से गुणा करेंगे तब भी हमें 400 ही प्राप्त होगा। इसके बाद हम इसको जोड़ देते हैं तब हो जाएगा 841/841। ये आपस में कट के मान आ गया एक। ये बात हमने पहले भी बता दिया है कि इस ये एक सर्वसमिका होती है और सर्वसमिका से हमें इसका मान एक प्राप्त होता है। यहाँ पर भी एक आया, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा राइट है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब हमें ये फॉर्मूला अपनाना है, ये फॉर्मूला करके हमें पता चल जाएगा। अगर यहाँ एक नहीं आता है तब हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, कहीं ना कहीं हमारे कोई भूल वश त्रुटि हुई है, इसके लिए यहाँ से एक नहीं आया। इसका दूसरा रूल है कोस स्क्योर थीटा प्लस साइन स्क्योर थीटा सर्वसमिका से, सर्वसमिका से, सर्वसमिका से हो जाएगा बराबर एक। अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कोस स्क्योर थीटा माइनस साइन स्क्योर थीटा। कोस का मान रख देते हैं 21/29 का होल स्क्योर माइनस 20/29 का होल स्क्योर। 21 का वर्गमूल हमें पता है 441 होता है, 29 का पता है 841 माइनस 20 का 400, 29 का 841। इसका एलसीएम लेंगे तब भी 841 ही प्राप्त होगा, 841 में 841 का भाग देंगे एक प्राप्त होगा, एक को 441 से गुणा करेंगे 441 प्राप्त होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को एक से गुणा करो भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 841 में 841 का भाग देते हैं, एक प्राप्त होता है, एक को 400 से गुणा करने पर 400 प्राप्त होता है। उसके बाद हो जाएगा, अब यहाँ पर घटाव करना है, 441 में से 400 गए तो हमें सीधा पता है 41 ही बच जाते हैं, इसके बाद बट्टे में 841। हम एक इस तरीके भी इसे कर सकते हैं। एक हमारे ये तरीका है कोस स्क्वायर का, साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर का मान रख के सीधा कर सकते हैं।
हमें यहाँ पर तो इस त्रिभुज का मान दिया गया है, तब हमें इसी के सहायता से करना होगा। उससे अगर कोई मान नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, सीधा ये देख के पूछ ले इसका मान निकालिए, तब हमें वो फॉर्मूला अपनाना पड़ता है। अब हम उदाहरण 4 पढ़ेंगे। उदाहरण 4 में दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। यदि टेन ए इजिकल टू 1, तो सत्यापित कीजिए, तो सत्यापित कीजिए कीजिए कि टू साइन ए कोस ए इजिकल टू 1। हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका भी समकोण है और कोण टेन थीटा का मान यह है, तब हमें यह बात सिद्ध करनी है कि साइन ए और कोस ए, टू साइन ए कोस ए बराबर 1 होता है। इसके लिए हम सर्वप्रथम एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें जिसमें बी समकोण है। यहाँ पर हम बिंदु बी ले लेते हैं। टेन ए मतलब हो गया ए है वहाँ पर हमें थीटा कोण दर्शाना है, यहाँ पर बिंदु ए, एक यहाँ पर बिंदु सी। अब हमें दिया क्या गया है, पहले हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं टू प्रूफ दैट, इसका मतलब बताया हमें सिद्ध करना है कि टू साइन ए कोस ए इजिकल टू 1, यह बात हमें सिद्ध करनी है। अब इस प्रश्न में दिया क्या गया है, गिवन डेट दिया है टेन ए इजिकल टू 1। हमें पता है टेन में लंब बट्टे आधार होता है, इसका मतलब लंब का मान हो गया 1 और जिसके बट्टे में कोई संख्या नहीं दी गई हो उसे भी हम 1 ही मानते हैं, इसका मतलब इसका भी मान 1 हो गया। अब हम पाइथागोरस प्रमेय में से कर्ण का मान निकालेंगे, उसके बाद हम साइन को उसका मान यहाँ पर रख देंगे। पाइथागोरस प्रमेय में से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम ए सी का स्क्वायर इजिकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इजिकल टू ए बी का मान 1, इसका भी मान 1, 1 का होल क्यूब, 1 का चाहे वर्ग करो और चाहे 1 को चाहे किसी संख्या से, 1 को अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का किसी संख्या में भाग देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का 1 से गुणा करेंगे तब भी 1 ही आता है। अब हमें ए सी स्क्वायर इजिकल टू 2,
हमें ए सी का चाहिए, यहाँ पर ए सी स्क्वायर है, तब यहाँ पर हम वर्गमूल कर देते हैं, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट दो, ये हमारे को मान प्राप्त हो गया ए सी का मान। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं ए सी का मान अंडर रूट दो, हमें ए सी का मान प्राप्त हो गया। इसके सहायता से हम कोस ए का और साइन ए का मान याद कर देते हैं, साइन ए इज इक्वल टू, साइन में हमें पता है साइन में लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब का मान एक है, कर्ण का मान अंडर रूट दो है, तब हम लंब बट्टा कर्ण इज इक्वल टू 1/√2। इसके बाद हम कोस ए का मान हो जाता है आधार बट्टे कर्ण, आधार का मान यहाँ पर एक है और कर्ण का मान अंडर रूट दो है। अब हम इसी मान को इस जो ये प्रूफ दिया गया है इसमें रख देते हैं। इसके लिए हम पहले लिखते हैं टेकिंग LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है 2 sin A cos A। अब हम यहाँ पर साइन ए और कोस ए का वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखेंगे तब हम लिख देते हैं ए टू, यहाँ से लिख देते हैं ए टू वैल्यू साइन ए कोस ए। अब हम साइन ए और कोस ए का मान रख देते हैं, साइन ए का मान है अंडर रूट 1/2 और कोस ए का मान है 1/√1/2। अब हमें पता है अंडर रूट दो कोई भी संख्या अगर समान हो और दोनों अंडर रूट में हो तब हम उसका अंडर रूट गुणा करने पर उसका अंडर रूट हट जाता है, इसी प्रकार हम यहाँ से 1/2 प्राप्त हो जाता है, ये 2 से 2 कैंसिल, मान हो गया 1। ये देखो हमारे को यहाँ पर वैल्यू रखने पर हमें यहाँ पर 1 मान प्राप्त हुआ है, और हमें सिद्ध भी क्या करना था, इसकी वैल्यू रखने पर हमें 1 प्राप्त होना चाहिए। A1 इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इज इक्वल टू RHS, यहाँ पर लिख देते हैं एस प्रूफ्ड। हिंदी में कहते हैं इति सिद्धम्, इसी को हिंदी में कहते हैं इति सिद्धम्। यहाँ पर भी हमें 1 प्राप्त हुआ है और हमें प्रूफ भी क्या करना था, 1 आना चाहिए, इसका मान रखने पर हमें 1 प्राप्त हो गया, तब हमारा यह क्वेश्चन सही है। सिद्ध करने वाले में सामने वाला उत्तर देता है लेकिन उसमें कन्फ्यूजन ये करता है कि इसमें हमें क्या हेरा फेरी करके दी है उसने, अगर हम वो हेरा फेरी पकड़ लेते हैं तब हमारा सिद्ध हो जाता है, हेरा फेरी नहीं पकड़ पाते हैं तब हमारा वो सिद्ध नहीं होकर उल्टा कुछ हो जाता है। इसी प्रकार हम आगे और प्रश्नावली में करते हैं। अब हम उदाहरण 5 पे जाते हैं। उदाहरण 5 में दिया गया है त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, समकोण है, तब ओ पी का मान, ओ पी की वैल्यू दी गई है 7 सेमी और ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेमी।
ये मान दिए गए हैं। अब हमें याद करना है कि साइन क्यू वे कोस क्यू के मान याद कीजिए। इस प्रश्न में बोला गया है कि ओ पी क्यू एक त्रिभुज है जिसका पी समकोण है, ओ पी का मान 7 सेमी है और ओ क्यू माइनस पी क्यू है, मतलब ओ क्यू की वैल्यू और पी क्यू की वैल्यू दोनों रखेंगे तो उसमें दोनों का अंतर है वो 1 सेमी होगा। तब हमें साइन क्यू और कोस क्यू का मान याद करना है। सबसे पहले हम इस त्रिभुज को बना लेते हैं। यहाँ पर P को 90, P O P है, O P का दूरी है 7 सेमी, यहाँ पर दर्शा देते हैं Q। अब हमें इस प्रश्न में दिया किया गया है, पहले हम वो लिख लेते हैं, उसकी सहायता से हम इस भुजा का मान निकालेंगे, इस भुजा का मान निकालेंगे और बाद में हम इन दोनों का मान निकालने के बाद साइन क्यू और कोस क्यू का मान निकालेंगे। दिया गया है गिवन डेट, गिवन डेट दिया है ओ पी इक्वल टू 7 सेमी, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेमी। हम इसका यहाँ पर पक्षांतरण कर देते हैं तब हमें ओ क्यू का मान पता चल जाएगा, ओ क्यू इजिकल टू 1 प्लस PQ। अब हमें ओ क्यू का मान पता चल गया, अब हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तब हमारी ये कर्ण भुजा है उसका मान ये रखेंगे तब हमें पी क्यू का मान प्राप्त हो जाएगा, और पी क्यू का मान जैसे प्राप्त होगा यहाँ पर पी क्यू का रखते ही हमें ओ क्यू का मान प्राप्त हो जाएगा, ओ क्यू का प्राप्त होते ही हम साइन क्यू और कोस क्यू का मान निकाल लेंगे। इसको हम समीकरण दे देते हैं 1। अब हम पाइथागोरस प्रमेय प्रयुक्त करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय में ओ क्यू का स्क्वायर इजिकल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू का मान हम यहाँ से रख देते हैं समीकरण 1 से, हैव टू ओ क्यू वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से ओ क्यू का मान रखने पर, समीकरण 1 से हम ओ क्यू का मान रखेंगे तो हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर इजिकल टू ओ पी का मान, ओ पी का मान हमें यहाँ पर दिया गया है 7 सेमी है तो हम यहाँ पर लगा देते हैं 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें ये जो बीजगणित वाली सर्वसमिका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab, वह पता है इसका मान ये होता है, हमें पता है बीजगणित की ये एक सर्वसमिका होती है, यही सर्वसमिका यहाँ पर प्रयुक्त है। हम इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, होल स्क्वायर मान जाएगा 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस 2PQ इजिकल टू 7 का वर्गमूल हमें पता है 49 होता है प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। हमें पता है बराबर के चिन्ह के राइट साइड और लेफ्ट साइड अगर समान चिन्ह वाले, मतलब यहाँ पर भी प्लस में हो यहाँ पर भी प्लस में हो या फिर यहाँ पर भी माइनस में हो यहाँ पर भी माइनस हो अगर हो तो वो आपस में संख्या आपस में कट जाती है। अब हम इसका पक्षांतरण कर देंगे तो हो जाएगा पी क्यू 2PQ इजिकल टू 49 माइनस 1, पी क्यू इजिकल टू 48
और इस दो को हम इसके बट्टे में भेज देते हैं, तब आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू 24। तो हमें पी क्यू की वैल्यू प्राप्त हो गई। हम पी क्यू का मान यहाँ पर रखेंगे तब हमें ओ क्यू का मान प्राप्त हो जाएगा। ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 24, ओ क्यू इज इक्वल टू 25। अब हमें देखो ओ क्यू का मान प्राप्त हो गया, उसके बाद पी क्यू का मान प्राप्त हो गया, और एक भुजा हमें दी गई है 7 सेमी है, इसको हम यहाँ पर सेमी में लिख देते हैं। यहाँ पर 25 सेमी, तब हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, यह है 25 सेमी, यह है 24 सेमी। इन दोनों को घटा दो, इसका अंतर एक आता है, ये देख लो एक ही आता है, तब हमारे को ये बात सिद्ध करनी है। अब हमें कौन है वो क्यू पर मान कर ये इस बात सिद्ध कर साइन क्यू और कोस क्यू का मान निकालना है। यहाँ पर हमें थीटा क्या माना है, क्यू पर यहाँ पर कोण बना, यहाँ के यहाँ पर साइन क्यू पूछा है तो कोण क्यू पर होगा, तभी हम साइन क्यू का मान निकाल पाएंगे। अगर यहाँ पर होगा तो हम साइन ओ का निकालेंगे, क्योंकि जहाँ पर कोण होता है उसके आसपास के भुजाओं वाले मान पूछे जाते हैं। देखो साइन क्यू इज इक्वल टू, साइन क्यू में आता है लंब बट्टे करण, लंब का मान है 24, करण का मान है 25। अब हम निकालते हैं कोस क्यू का, कोस क्यू इज इक्वल टू, कोस क्यू में आता है आधार बट्टे करण, आधार बट्टे करण में आ जाएगा, आधार का मान हमें पता है 7 है, सॉरी यहाँ पर लंब का मान 7 होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो हमारे साइन क्यू का मान लंब बट्टा करण, साइन क्यू का मान आएगा 7/25, और करण का मान आएगा 24/, कोस क्यू का मान हमें प्राप्त होगा 24/25। इस प्रकार हमने साइन क्यू और कोस क्यू के मान निकाल लिए। अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 6।